गुलमोर पार्क मध्ये बाबासाहेब पाटणेकर क्रीडा नगरी मध्ये सुरू असणारी देखणी स्पर्धा अर्थात या स्पर्धेला आपण आता पाहतोय मंचावर अनेक शिवसेनेचे प्रमुख पदाधिकारी आहेत अर्थात सभापती महोदय देखील या स्पर्धेचा आणि खेळाचा आनंद घेत आहेत। तर मैदानाकडे जाऊया अर्थात दुसरा सामना मैदानावरती सुरू होतोय। टॉस जिंकला महेश इलेवन या संघाने आणि अर्थातच आमंत्रित केले फलंदाजीसाठी ओमसाई बर्डे या संघाकडून करण आणि अर्थातच त्याच्या साथीला संकेत ही जोडी अतिशय चांगली जोडी आहे आणि त्यात सलाबीला चांगले खेळणारे दोन्ही फलंदाज डावखुरा करण याच्यावर खूप कुठे नजर असतील कारण एकूण पाच षटक आहेत आणि पाच षटकामध्ये करणची बॅट जर चालली करणची बॅट जर बोलली तर निश्चितच धावा येतील। अंपायरचा सिग्नल येतोय संकेत शिंदे जे अंपायर डिपार्टमेंट तो चलते मैदान के अंदर पहले गेंदबाज देखे गेंदबाज करके गेंदबाज महेश इलेवन की तरफ गेंद हो अच्छी गेंद गेंद गई बॉर्ड लाइन से बाहर पहली गेंद पहला चौवा पहला गाना कम ऑन डिजे पहली गेंद के ऊपर चौवाया शिंदे डाली हुई थी अच्छी गेंद थी गेंद भी कोई खराबी नहीं थी लेकिन बल्लेबाज के पास देखिए कितना टैलेंट है और टैलेंट के साथ गेंद को मोड़ा और चुब्बा ढूंढा चुब्बे के साथ खत्ता खुलता वक्र बहुत अच्छा टीम और सामने देखिए ओम से बर्डे जिनके पास बहुत काबिलियत है विकास जैसे बल्लेबाज है और डॉक्टर नितिन सीधे बल्ले से गेंदबाज के ऊपर से वन बाउंस टू बाउंस गेंद बॉल लाइन से बाहर चुप्पे के लिए कबॉट इज और एक चुप्पा ये पहले ही कहा था बायत के बल्ले का बाल बहुत खतरनाक साबित होते खास करके पावर प्ले खिलाड़ी है तो दो गेंदे और दो गेंद के ऊपर दो चुब्बे यहाँ पे जड़ते हुए करण बहुत अच्छी बल्लेबाजी दो गेंदे आठ रन बने हैं रोशन बल्लेबाजी करते हुए पहली ओवर उनको मौका मिला और पावर प्ले की ओर डालना बहुत आसान काम है मैदान के अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिर एक बार देखिए गेंदबाज करके रोशन बाहर के बल्लेबाज करण के लिए अगली गेंद अच्छी गेंद इस बार देखिए अच्छा टप्पा और अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी होती हुई रोशन द्वारा और सम्मान किया बल्लेबाज करण ने तो ज्यादा रन नहीं एक रन इस गेंद के ऊपर कुल मिलाकर नौ रन बने हैं पांच ओवर का मैच है। इसके पहला मैच हमने देखा युवा वॉरियर्स बर्डे ने बहुत अच्छा टारगेट बनाया था और 76 रन बनाने थे संदीप नाइन के लिए तो संदीप नाइन के बल्लेबाज के योगेश ने क्या बल्लेबाज की 50 रनों की पारी खेली थी और 76 रन आसानी से चेस किए थे पांच ओवर के अंदर तो टारगेट बनता है और टारगेट चेस भी होता है। तो मैदान के अंदर देखिए खेल बहुत बड़ा खेल चलता हुआ और देखिए टूर्नामेंट बहुत अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की थी शिवसेना के माध्यम से दादा का जन्मदिन मनाते हुए बहुत अच्छी टूर्नामेंट। तो फिर एक बार देखिए रोशन यहाँ पे फील्ड में तब्दीली करते हुए फिर एक बार देखिए गेंदबाज करके और स्ट्राइक करके फिर एक बार देखिए पहली बार संकेत जिनको स्ट्राइक पर मौका मिला चौथी गेंद गेंदबाज देखिए रोशन ने दौड़ एक बार देखिए अवसरों के बाहर की गेंद खूबसूरती के साथ यहाँ पे ड्राइव किया था संकेत ने और इसके ऊपर खाता खुलता हुआ संकेत का तो कुल मिलाकर रन बने हैं 10 रन। पहली ओवर के अंदर देखिए रोशन गेंदबाज करते हुए महेश इलेवन की तरफ से महेश इलेवन यानी महेश जगदाले इनका टीम बहुत अच्छा टीम है मैदान के अंदर देखिए बहुत अच्छा काम कर रहे और पहले दो गेंद के ऊपर दो चुब्बे जड़े थे करण ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी फिर एक बार देखिए दौड़ना शुरू किया अगली गेंद और ये क्या किधर डाल रही गेंद गेंद सीधी बाउंड्री से बाहर चुब्बाया खराब गेंदबाजी रोशन द्वारा तो चुप्पे के साथ डीजे को मौका मिलता हुआ कपोट डीजे खराब गेंदबाजी अंपायर ने नो करार दिया तो किसी के साथ कुल मिलाकर पांच रन का बोनस चढ़ता हुआ तो टूर्नामेंट के अंदर देखिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट दादा का जन्मदिन मनाने का तर आपण पाहतोय या ठिकाणी शिवसेनेचे प्रमुख पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित अर्थात सभापती महोदय देखील आज सकाळपासून
आणि ते देखील आपल्याबरोबर आहेत. काही कारणास्तव ते या ठिकाणी जात आहेत, पण परंतु पुन्हा पुन्हा ते येत राहतात. कारण आपण पाहतोय कालच्या दिवसामध्ये अनेक मान्यवर आले आणि अर्थात दादा देखील आले. दादांनी खूप वेळ आपल्याला दिला, दादा खेळ मैदानामध्ये खेळले सुद्धा आणि अर्थात आपल्याला खूप साऱ्या शुभेच्छा दिल्यात संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. त्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचं देखील मी खूप आभार व्यक्त करतो, खास करून खेळाडूंच्या वतीने खूप सारे आभार आहेत. कारण खूप मान्यवर या ठिकाणी येत एक शिवसेनेचे युवा सेनेचे प्रमुख पदाधिकारी आले. आज देखील काही पदाधिकारी येणार आहेत, त्यांचा देखील आपण तुमच्या समोर उल्लेख करणार आहोत, त्यांचं देखील स्वागत करणार आहोत. अशा प्रकारची सन्मानाची प्रतिष्ठेची अभिमानाची स्पर्धा म्हणजे दादांच्या वाढदिवसानिमित्त सुरू आहे. चेंडू पास सुरेख पद्धतीने चेंडू तटवलाय, सरळ आमच्या दिशेला चेंडू, पुन्हा एकदा सीमारेषे बाहेर चार धावा. कम ऑन डीजे, चार धावा येत आहेत. तो देखिए पहली ओवर के अंदर कुल मिलाकर 19 रन बने हैं. पहले दो गेंद के ऊपर हमला बोला था करण ने और दो चौबे जड़े थे, तो दो चौबे के साथ बहुत अच्छी पारी करते हुए कुल मिलाकर तीन चौबे जड़े करण के बल्ले से. करण पवार बहुत ही अच्छे बल्लेबाज करते हुए अपनी टीम के लिए 19 रन बने हैं पहली ओवर के अंदर, मगर कोई विकेट गवाया संकेत. और करण देखिए अभी भी टक्कर खेल रहे, पहले ओवर के अंदर 19 रन बनाए, अभी भी देखिए चार ओवर अभी भी शेष है. अब देखने वाली बात होगी वो नंबर दूसरा कोड डालेगा गेंदबाज देखिए राज को मौका दे रहा है. और राज अच्छे खिलाड़ी है, एंग खिलाड़ी है. अब देखने वाली बात होगी राज कैसी गोलंदाजी करते हैं. सामने देखिए करण जैसे बल्लेबाज है और संकेत जो कि हाथ खोलने वाले बल्लेबाज है, बिग हिटर माने जाते संकेत, जिनको अब मुकाबला ओपन करने का ओम साहिब पांडे की तरफ से. फिर एक बात की गेंद, हो अच्छी गेंद थी और खड़े खड़े खेलने का प्रयास कर रहे थे, कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास संकेत द्वारा, लेकिन नाकामयाब. गेंद विकेट कीपर के दस्तर में, विद्धि के डॉट गेंद, यानी कोई नुकसान नहीं, कोई बदलाव नहीं. रन की बात करें तो 19 रन बने हैं पहले ओवर के अंदर, 19 रन बने थे और उनमें से तीन चौबे जड़े थे बल्लेबाज करण ने. बहुत अच्छे बल्लेबाज पहले ओवर के अंदर, देखिए पहले गेंद के ऊपर चौबे के साथ खाता खोला था करण ने और आज भी देखिए 19 रन बनाए हैं पहले ओवर के अंदर. अब देखिए राज गेंदबाज करते हुए महेश 11 की तरफ से. फिर एक बात देखिए गेंदबाज करके गेंदबाज राज अगली गेंद संकेत के लिए, जो कि अच्छे खिलाड़ी है संकेत शिबे. हो फिर एक बार देखिए अच्छी गेंद, खड़े खड़े खेलने का प्रयास कर रहे, आगे नहीं आ रहे, खड़े खड़े खेलने का प्रयास. और यहाँ पे गेंद बार बार विकेट कीपर के दस्तर में जाती हुई, बिंदी गेंद यानी डॉट गेंद. रन में कोई बदलाव नहीं, कोई नुकसान नहीं, 19 रन बने हैं पहली ओवर के अंदर आए थे 19 रन तीन चौके के साथ करने अच्छी बल्लेबाजी की अब तक. तो आप देखने वाली बात होगी संकेत शिबे क्या करते हैं. दो गेंदे यहाँ पर मिस किए संकेत, अच्छी गेंदे थे गेंदबाज राज द्वारा. फिर एक बात देखिए एक खिलाड़ी राज महेश 11 की तरफ से गेंदबाज दौड़ने का मौका मिला, तो दो रन यहाँ पे पूरे हुए संकेत शिबे और करण पवार के बीच में दो रन. तो दो रन के साथ कुल मिलाकर 21 रन बने हैं दूसरे ओवर के अंदर. पांच ओवर का मैच है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था शिवसेना युवा सेना के माध्यम से दादा का जन्मदिन मनाते हुए. बहुत बड़ा टूर्नामेंट, पांच दिन का टूर्नामेंट, आज का दिन दूसरा दिन. मैदान के अंदर देखिए गुलमुल पार्क के अंदर बाबा साहेब पाटनी क्रीडा नगरी के अंदर बहुत बड़ा मुकाबला ट्रैवल होती हुई और वहां पे फील्डिंग बहुत अच्छा फील्ड करते हुए खिलाड़ी, ताली बजनी चाहिए खिलाड़ी के लिए. छोटे खिलाड़ी है लेकिन काम बहुत अच्छा करते हुए अपने टीम के लिए रन बचाए उन्होंने, तीन रन बचाए, बहुत अच्छा काम खिलाड़ी द्वारा. तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे खिलाड़ी, एक खिलाड़ी है महेश 11 के टीम के अंदर. देखिए बहुत एक खिलाड़ी दिख रहे राज है और ये जो खिलाड़ी जिन्होंने गेंद को रोका बहुत अच्छा काम कर रहे. फिर एक बात देखिए अब बहुत मुश्किल होगी राज के लिए, क्योंकि सामने देखिए करण बल्लेबाज है बाहर और दिखा दिया करण ने. और देखिए वन बाउंस टू बाउंस गेंद बॉल लाइन से बाहर चुपने के लिए कमांड देखिए
राज के लिए आसान नहीं होगा। करण बल्लेबाज बहुत खतरनाक बल्लेबाज है और उन्होंने देखिए चौवा जोड़ा, चौथा चौवा इन बल्लेबाज के बल्ले से। फिर एक बात कह बार वही शॉट वही नतीजा, गेंद बॉल लाइन से बाहर और एक चौवा और एक गाना। कम ऑन डिजी, चौवे पे चौवा, दो छुपे आए और नंबर टू देखिए दो ओवर यहाँ पे खत्म हुए। दो ओवर के बाद कुल मिलाकर 30 रन बने हैं। पहले ओवर के अंदर देखिए 19 रन बने थे और दूसरे ओवर के अंदर देखिए दो चौके करने जड़े और अच्छी गेंदबाजी की राज ने। तो आप देखने वाली बात होगी वो नंबर तीसरा कोड डालेगा महेश 11 कुणाल इनके ऊपर जब आ रही है वो नंबर तीसरा लेकर आ रहे कुणाल गेंदबाज करेंगे क्योंकि महेश 11 की तरफ से कुणाल गेंदबाज करते हुए कुणाल सकपाल महेश 11 की तरफ से वो नंबर तीसरा गेंदबाज करके कुणाल रेट ओवर द विकेट। और देखिए संकेत शिबे ऑन स्ट्राइक 9 स्ट्राइक पर देखिए बेहद के खतरनाक बल्लेबाज करण पवार 9 स्ट्राइक पर है। और अब देखने वाली बात होगी संकेत कैसे बल्लेबाज करते। एक तरफ देखिए बहुत अच्छे बल्लेबाज चलते हुए करण की तरफ से, करण और संकेत यानी टीम ने बहुत अच्छा काम किया था कल के दिन मुंबई के टीम के सामने बहुत अच्छा काम किया था वही टीम ओम से बर्डे। फिर एक बात है कि खड़े खड़े खेल रहे, बार बार मैं देख रहा हूं एक खड़े खड़े खेलने का प्रयास कर रहे और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। हर एक गेंद हमने देखी खड़े खड़े खेलने का प्रयास करते हुए संकेत शिबे और गेंद के ऊपर नहीं आ रहे तो मिस कर रहे। फिर एक बार बिंदी गेंद डॉट गेंद तो कोई बदलाव नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन की बात करें तो 30 रन बने हैं। बहुत बड़ा टूर्नामेंट चलता हुआ दूसरा दिन का टूर्नामेंट, दादा की जन्मदिन का टूर्नामेंट। भाई बार बार बता रहा हूं और देखिए आगे नहीं आ रहे, गेंद के ऊपर नहीं आ रहे, खड़े खड़े खेलने का प्रयास और बार बार गेंद मिस कर रहे कर संकेत शिबे। तो कुल मिलाकर देखिए रन में कोई बदलाव नहीं, 30 रन बने हैं। पहले ओवर के अंदर 19 बने थे और दूसरे ओवर के अंदर देखिए 30 रन बने। और अब देखिए दो गेंदे बहुत अच्छी गेंदे डाले कुणाल सकपाल ने। फिर एक बार देखिए अच्छे बल्ले पर आई नहीं लेकिन एक रन जरूर मिलेगा संकेत के लिए। तो एक रन के साथ कुल मिलाकर रन की बात कर तो 31 रन बने हैं। 31 लॉस ऑफ विदाउट विकेट प्रोग्रेस इन थर्ड ओवर, वो नंबर तीसरा चलता हुआ 31 रन बने हैं और चार चौके के साथ बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज के स्ट्राइक पर बाहर के बल्लेबाज करण पवार जिन्होंने क्या हाथ खोला, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। पहले गेंद के ऊपर उन्होंने चौवा जड़ा था और उसके बाद अब तक देखिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे अपनी टीम के लिए। फिर एक बार देखिए कुणाल ने दौड़ा सके हम पर के बगल तो फिर एक बार देखिए गेंदबाज करेंगे कुणाल सकपाल और सामना करेंगे संकेत शिबे ऑन स्ट्राइक। कर रहे बहुत अच्छा काम करते हुए टीम के लिए, क्या कैच को लपका, ओहो बहुत अच्छा कैच। ताली बजनी चाहिए, सिटी बजनी चाहिए और साथ में गाना बजना चाहिए, गाना लगाओ।
देख रहे बहुत बड़ा टूर्नामेंट। तो मैदान के अंदर देखिए एक तरफ पे ओम से बर्डे तो दूसरी तरफ महेश इलेवन जिन्होंने अच्छा काम किया। कुणाल सकपाल की गेंद के ऊपर एक अच्छा कैच लपका। अविना जाधव खिलाड़ी बहुत अच्छी और फिर एक बार देखिए अच्छी गेंद, फिर एक बार देखिए अपील बना रहे और दबा बनाने का काम करे गेंदबाज करण के ऊपर। तो देखिए फिर एक बार देखिए बिंदी गेंद, तो बिंदी गेंद के साथ ओ नंबर तीसरा कदम हुआ और नए बल्लेबाज के विकास मैदान के अंदर आए। एक खतरनाक खिलाड़ी है, लंबे रेस के बहुत लंबे हिट लगाने वाले खिलाड़ी विकास मैदान के अंदर आए। तीसरे नंबर पर उनको मौका मिला तो कुल मिलाकर रन की बात कर तो 32 रन बने हैं, ज्यादा रन बने नहीं। पहले ओवर के अंदर देखिए 19 रन बनाए थे और आप देखिए तीसरे ओवर के अंदर 32 रन बने हैं। तो कमबैक किया कुणाल सकपाल, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। अब देखने वाली बात होगी नई गेंदबाज को लाते, मेरे ख्याल से सागर के हाथ पे गेंद आने वाली और सागर गेंदबाज करके ओ नंबर चौथा सागर के ऊपर जिम्मेदारी महेश इलेवन की तरफ से। महेश इलेवन और ओम से बर्डे के बीच की बिड़ंत है, बहुत बड़ी बिड़ंत है। और देखिए अविनाश जाधव बहुत अच्छा काम करे पीड़ के अंदर, देखिए एक चौवा यहाँ पे रुका था और उसके बाद क्या कैच के लपका है संकेत शिबे का कैच, बहुत अच्छा कैच लेते हुए अविनाश जाधव। फिर एक बार देखिए गेंदबाज करके गेंदबाज सागर, अगली गेंद राइट टॉप ओवर द विकेट विकास के लिए। इस गेंद के ऊपर देखिए ऑन साइड पर खेलने का प्रयास कर रहे थे और गेंद बल्ले पर आई नहीं। फिर एक बार देखिए पहली गेंद मिस की विकास ने तो इसके ऊपर रन नहीं आए। बिंदी गेंद डॉट गेंद ओ नंबर पहला चलता हुआ। तीसरे ओवर के अंदर देखिए कमबैक किया बल्लेबाज गेंदबाज कुणाल सकपाल ने, अच्छी गेंद डाली और हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया करण और संकेत शिबे को। तो फिर एक बार देखिए गेंदबाज कर गए, अच्छे गेंदबाज है सागर, उच्च गति के गेंदबाज महेश इलेवन की तरफ से उनको मौका मिला। रेड गेंद के ऊपर देखिए सीधे गेंदबाज के ऊपर से खेलता हुआ गेंद यहाँ पे अच्छा काम कर रहे फील्ड के अंदर। देखिए महेश इलेवन के खिलाड़ी बहुत अच्छा काम कर रहे खूबसूरती के साथ और इसके साथ देखिए दो गेंद है तो नौ गेंद के साथ मौका मिलेगा बल्लेबाज को, हाथ खोलने का मौका मिलेगा, इन्हें फ्री हिट का मौका शायद मिलेगा। अंपायर दिखा रहे नौ गेंद संकेत शिंदे जो कि अंपायर डिपार्टमेंट और देखिए राकेश बोरे जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो देखने वाली बात होगी गेंद को नौ करार दिया तो इसके ऊपर चर्चा हो रही है मैदान के अंदर। तो देखिए अंपायर डिसीजन लास्ट एंड फाइनल डिसीजन रहेगा, इसके ऊपर कोई अपील नहीं करेगा। तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट बीच मैदान के अंदर, देखिए दूसरा दिन दादा का जन्मदिन हम मना रहे और इसके कारण चलते देखिए दूसरे दिन के अंदर एक तरफ महेश इलेवन और दूसरी तरफ देखिए महेश इलेवन और दूसरी तरफ ओम से बर्डे, ये दोनों को बीच का मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ मैदान के अंदर। देखिए ओ नंबर चौथा चल रहे सागर गेंदबाज करते हुए और इस गेंद के ऊपर नो कहा था अंपायर ने तो इसके साथ के कुल मिलाकर रन की बात कर तो अब तक रन बने हैं 35 रन बने हैं 35 रन बने हैं। अब देखिए चर्चा जारी है मैदान के अंदर। तो इस गेंद के ऊपर देखिए नो कैंसिल किया अंपायर ने तो 34 रन बने हैं। ओ नंबर चौथा चल रहा है मैदान के अंदर, देखिए गेंदबाज सागर गेंदबाज करते हुए जो कि अच्छे खिलाड़ी है उच्च कद के खिलाड़ी है और अच्छी गेंदबाज कर रहे। तो अब देखिए स्ट्राइक पर विकास, नॉन स्ट्राइक पर देखिए करण ओम से बर्डे के खिलाड़ी देखिए करण पवार जिन्होंने अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है और संकेत शिबे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो अब देखिए विकास को मौका मिला तीसरे नंबर पर मैदान के अंदर, देखिए स्ट्राइक पर विकास, नॉन स्ट्राइक पर किरण पवार। फिर एक बार देखिए सागर ने देखिए ऑन साइड पर खेला सीधे खिलाड़ी के पास और इसके साथ मौका बना और मौके के साथ आउट, विकेट नंबर टू गॉन, विकास आउट होकर मैदान से बाहर।
तो नई बल्ले पास देखिए मैदान के अंदर सूरज भापकर उनको मौका मिला। चौथे नंबर पर ओम से की तरफ से खेलते हुए सूरज भापकर चौथे नंबर पर मैदान के अंदर आए और करण देखिए कर पावर अभी भी मैदान के अंदर टक्कर खेल रहे बाहर के बल्लेबाज जिन्होंने अच्छी शुरुआत की थी और शुरू से अच्छे खेल रहे अब तक मैदान। अगली बल्ला घुमाया और इसी के साथ वन बाउंस गेट बॉल लाइन से बाहर चौके के लिए प्रभाग क्रमांक दोन चे विभाग प्रमुख प्रकाश शिगवणसर या ठिकाणी शाखा प्रमुख योगेश शिगवणसर या ठिकाणी उपस्थित त्यांचा देखील बी स्वागत करतो। आणि सर आपला विनंती करतो आपण व्यासपीठावर सादरपण व्हा आपला देखील या स्पर्धेमध्ये म्हणजे दादांच्या वाढदिवसानिमित्त चालू असणाऱ्या लाख बोलाच्या स्पर्धेमध्ये आपला देखील मनापासून सहर्ष स्वागत आहे। मोठी स्पर्धा देखणी स्पर्धा आणि अर्थातच बाबासाहेब पाटे क्रीडानगरीवर सुरू असणारी मोठी स्पर्धा लाख बोलाची स्पर्धा शिवसेना युवा सेनेच्या माध्यमातून सुरू असणारी स्पर्धा तो फिर एक बार देखिए मैदान के अंदर चलते मैदान के अंदर अच्छी गेंद हो ये अच्छी गेंद थी सबसे अच्छी गेंद डाली सागर द्वारा बहुत अच्छी गेंद बल्लेबाज नहीं समझ पा रहे बिंदी गेंद डॉट गेंद तो इसका मतलब कोई रन में बदलाव नहीं होगा। कुल मिलाकर रन की बात कर तो रन बने हैं दो विकेट के नुकसान पर पहले ओवर के अंदर देखिए 19 रन आए थे लेकिन आप देखिए वो नंबर चौथा चलता हुआ चौथा ओड यहाँ पे चलता बस सागर गेंदबाज कर रहे कि अब तक अच्छी गेंदबाज कर रहे गेंदबाज सागर महेश 11 की तरफ से तो अभी भी एक गेंद शेष है इस ओवर की ओड नंबर चौथा चलता हुआ देखिए पहली गेंद पर टॉस जीता था और कुल मिलाकर रन की बात कर तो 38 रन बने हैं 38 तो अगली गेंद फिर प्रकार गेंद बच करके गेंद बस सागर बाहर के बल्लेबाज करण पवार के लिए देखिए हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दे इस ओवर के अंदर खासकर सागर ने फिर एक बार देखिए सागर ने दौड़ रखा है राइट टॉप राउंड में आज और विकेट की पर देखिए दोनों बीट हुए गेंद के बॉल लाइन से बाहर चुप्पे के लिए चुप्पा आया कम ऑन डिजी अर्थातच यूट्यूबच्या माध्यमातून संपूर्ण जगभरामध्ये थेट प्रक्षेपण होणारी स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवस आपण या ठिकाणी पाहतोय आणि ज्या स्पर्धेचं नेटकं संयोजन क्लीन बॉल गॉन सूरज बापकर आउट खराब फलंदाजी सूरज बापकर कडून फुल टॉस मध्ये चेंडू होता ऑन साइड ला खेळण्याचा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामध्ये एष्ट्या उद्ध्वस्त होत आहेत अशा प्रकारची खराब केली सूरज बापकर आउट कबड्डी डिझे
तर ही स्पर्धा मित्रांनो आपण पाहतोय जी यशस्वी करण्यासाठी खास करून मैदान बनवण्यामध्ये ज्यांचा सहभाग आहे ते अर्थात जी अत्यंत चांगली विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळते आणि त्याचं श्रेय जे कोणाला असेल ज्याने कोणी बनवलंय तर विनायक पाटील, राकेश जगदाळे, प्रवीण गोवळ, कैलास काडेकर, दीपक कदम या मित्राने मेहनत घेत ही स्पर्धा यशस्वी केली. आज कुणाल और पहली गेंद के ऊपर देखिए डॉक्टर ने खाता खोला नितिन भगत क्योंकि मैदान के अंदर आए और पहली गेंद के ऊपर खाता खुलता हुआ नितिन भगत यानी डॉक्टर का खाता खुला. तो कुल मिलाकर रन की बात कर तो रन बने हैं 43 रन बने हैं. ओवर नंबर पांचवा चलता हुआ आखिरी ओवर मैदान के अंदर देखिए कुणाल सकपाल गेंदबाज करे और बल्लेबाज देखिए खामोश रहे खास करके दो ओवर के अंदर पहले सागर और उसके पहले देखे कुणाल ने अच्छी गेंदबाजी की थी. फिर एक बार देखे कुणाल गेंदबाजी करते हुए राइट टैप होते हुए हाँ इसी के साथ देखे दिशा से पटक रहे इस गेंद के ऊपर खराब गेंद डाली गेंदबाज कुणाल ने तो मिस्टर एक्स्ट्रा के रूप और एक रन आया तो कुल मिलाकर 44 रन बने हैं. कोर्ट नंबर पांचवा यानी आखिरी ओवर मैदान के अंदर चलता हुआ एक तरफ देखिए अभी भी करण पवार मैदान के अंदर है जिन्होंने खाता खोला था चौबे के साथ पहली गेंद के ऊपर चौबा जड़ा था वही करण बाहर की गेंद और इसके साथ देखिए ज्यादा रन एक रन हो क्या बांध कर रखा है रोक कर रखा है गेंदबाज को डाल ले बहुत अच्छी गेंदबाजी. इसके पहले देखिए सागर ने अच्छी गेंदबाजी की और देखिए फील्ड में क्या काम कर रहे खासकर अविनाश यादव उन्होंने बहुत अच्छा काम किया फील्ड के अंदर. तो फिर एक बात है कि गेंदबाज करके कुणाल सकपाल गेंदबाज करते हुए महेश 11 की तरफ से आखिरी ओवर डाल रहे कुणाल सकपाल. अंपायर देखिए संकेत शिंदे और राकेश बोरे अच्छी गेंद अच्छा शॉट नितिन भगत द्वारा गेंद बॉल लाइन से बाहर चौवे के लिए कमांड दे छुपाया तो देखिए डॉक्टर के बल्ले से छुपवाया यानी नितिन भगत के बल्ले से चौवा छुपे के साथ रन की बात करते हो 49 रन बने. फिर एक बार देखिए हेलीकॉप्टर यहाँ पे लगा हुआ और इसके ऊपर से एक रन दूसरा लेने का मौका मिला तो दो रन यहाँ पे दोनों ने पूरे किए दो रन तो दो रन के साथ अब रन की बात कर तो पूरे बने 51 रन बने हैं 50 रन पूरे हुए 51 रन बने हैं मैदान के अंदर. वो नंबर पांचवा आखिरी ओवर चलता हुआ कुणाल सकपाल गेंदबाज कर रहे आखिरी ओवर महेश 11 की तरफ से बहुत अच्छी टीम दोनों देखिए एक तरफ महेश 11 तो दूसरी तरफ देखिए ओम साई बर्डे की बिड़त बहुत बड़ी बिड़त होती हुई. फिर एक बार देखिए इसके ऊपर देखिए फिर एक बार ऑन साइड पर खेला डॉक्टर भगत ने और इसके ऊपर देखिए और एक रन जुड़ने का मौका मिला तो दो रन खूबसूरती के साथ वेरी गुड रन बेटे विकेट दो रन दोनों के साथ आप देखिए पांच ओवर के अंदर कुल मिलाकर रन बने हैं 53 रन बने हैं छोटा टारगेट है 54 रन बनाने हैं महेश 11 के लिए.
त्या मित्रांचं देखील आणि त्या सहकाऱ्यांचं देखील मी आभार व्यक्त करतोय। या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक चांगलं मैदान या निमित्ताने आपल्याला पाहायला मिळतंय। तर मैदानाकडे जाऊया। मैदानाकडे जर पाहिलं तर एकूण 54 धावांचं उद्दिष्ट आहे महेश इलेवन या संघासमोर। 53 धावा या ओमसाई बर्डे संघाने जमा केल्या आणि 54 धावांचं आव्हान आहे आणि अर्थातच आव्हान घेऊन मैदानामध्ये कुडाल दाखल होतोय। कुडाल बरोबर अक्षय, कुडाल आणि अक्षय ही जोडी मैदानामध्ये दाखल होते आणि अर्थातच पहिलं षटक डॉक्टर नितीन भगत याच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलं जात आहे। तो मैदान के अंदर चलते, मैदान के अंदर देखिए मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला है। जीतने के लिए पूरे बना रहे हैं, 54 रन बना रहे हैं महेश इलेवन के लिए। ये अच्छा टारगेट बना है और ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेकिन टारगेट टारगेट है। पहले ओवर के अंदर देखिए गेंदबाज करके गेंदबाज डॉक्टर नितीन भगत जो कि अच्छे खिलाड़ी है और रफ्तार के साथ ये अच्छा स्विंग करने वाले गेंदबाज। पहली गेंद राइट टॉप ऑफ द विकेट और इसके ऊपर देखिए विकास ने क्या गेंद को रोका। पहली गेंद डॉट गेंद और अंपायर ने इसे पहले नो गेंद कहा। हो तो नो गेंद, तो पहली गेंद नो और इसके ऊपर देखिए अंपायर की उंगली घूमती हुई। तो इसका मतलब पहली गेंद के ऊपर यहां पे मौका मिलता हुआ बल्लेबाज कुडाल के लिए फ्री हिट का मौका। अहो डॉक्टर नितिन भगत फिर एक बार देखिए गेंदबाज करके फ्री हिट का मौका रहेगा कुडाल सकपाल के लिए। अगली गेंद फ्री हिट के लिए और इस गेंद के ऊपर देखिए अच्छा शॉट लेकिन वहां खिलाड़ी है और खिलाड़ी ने गेंद को रोका। तो इस गेंद के ऊपर देखिए ज्यादा रन नहीं एक रन, तो कुल मिलाकर 2 रन बने हैं। तो मिस्टर एक्स्ट्रा के रूप में खाता खुलता हुआ महेश इलेवन। तो फिर एक बार देखिए गेंदबाज करके गेंदबाज डॉक्टर नितिन भगत अब स्ट्राइक पर देखिए अक्षय प्रारंभिक बल्लेबाज। कुल मिलाकर रन बना रहे हैं 54 रन बना रहे हैं जीतने के लिए। तो फिर एक बार देखिए फील्ड में क्या करें, बार बार बदलाव करते हुए और केंद्र देखिए दो खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर रख सकते हैं। तो दो खिलाड़ी ऑलरेडी गेंद और इसके साथ देखिए क्या शॉट क्लास के साथ के लिए अक्षय गेंद मॉडल से बाहर चुपे के लिए कबाट डिजी चुपवाया। कभी न छुकली थी दिल्ली चादर वारी तमाम बादशाही था ताज तिने ठोकर ला मराठ मोड़ा ता वेश तिने पाघर ला धर्म रक्षण आसी सदा साज भवानी धाली सुलूम कर त्या जा रक्ता नीति। तो देखिए चुप्पे के साथ खाता खुलता हुआ अक्षय का बहुत अच्छी का पारी की शुरुआत करते हुए चुप्पे के साथ आगाज किया बल्लेबाज। एक बात की अच्छी गेंद है और अंदर कारपेट खेलते हुए इस बार ज्यादा रन नहीं एक रन अक्षय के खाते में एक रन देखिए महेश इलेवन के खाते में आता हुआ। कुल मिलाकर रन की बात कर तो 7 रन बने हैं जीतने के लिए बना रहे हैं पूरे 54 रन बना रहे हैं 53 रन बनाए थे पहले बल्लेबाज करते हुए ओमसाई बर्डे ने और टारगेट बने महेश इलेवन के सामने। फिर एक बार देखिए यहां पर मौका और इसी के साथ कुणाल सकपा आउट होकर मैदान से बाहर। बहुत अच्छी गेंद थी और उससे ज्यादा अच्छा फील्ड संकेत छिबे की तरफ से। पहला विकेट पहला गाना कम ऑन डीजे रन के ऊपर पहला विकेट गवाया महेश इलेवन ने जो कि अच्छा कैच को लगा सिकेत सिबे ने बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए संकेत सिबे। तो पहला विकेट और रन बने 7 जीतने के लिए रन बना रहे पूरे 54 रन बना रहे। तीसरे नंबर मैदान के अंदर आए महेश इलेवन की तरफ से कल्पेश जिनको मुकाबला एक खिलाड़ी है अच्छे खिलाड़ी है और अब उनको मुकाबला तो बल्लेबाज करके तीसरे नंबर पर कल्पेश जिंगे
जो कि स्ट्राइक पर और नौशक प्रति के अक्षय यहाँ पे बल्लेबाज करते हुए फिर एक पार्थ के गेंदबाज मोर्च पर गेंदबाज के प्रारंभिक गेंदबाज डॉक्टर नितिन भगत गेंदबाज करके फिर एक पार्थ के राइट ओवर अच्छी गेंद बहुत अच्छी गेंद रफ्तार के साथ डाली हुई गेंद ऑप्शन के बाहर की गेंद पांचवें स्टंप पर डाली हुई गेंद बहुत अच्छी गेंद बिंदी गेंद डॉट गेंद और कोई बदलाव नहीं कोई नुकसान नहीं एक विकेट के नुकसान पर रन बने हैं सात रन बने हैं जीतने के लिए पूरे बना रहे हैं 54 रन फिर एक पार्थ की गेंदबाज करते हुए गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाज है सुंदर गेंद डाल रहे गेंदबाज नितिन भगत रफ्तार के साथ गेंदबाज करने वाली गेंदबाज कर क्लास के साथ खेला और इसके साथ एक अच्छा फील्ड और चार रन नहीं एक रन तो एक रन के साथ ओवर नंबर पहला खत्म हुआ और पहले ओवर के अपर रन बने आठ रन एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी कुणाल सकपाल जो कि कैच आउट होकर मैदान से बाहर है तो लेते ब्रेक ब्रेक पे गाने गाने के साथ वापस होते दूसरे ओवर के शुरू में तो लेते ब्रेक मैदान के अंदर बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ एक तरफ ओम से बर्डे तो दूसरी तरफ देखिए महेश इलेवन के बीच की भिड़न बहुत बड़ी भिड़न है मैदान के अंदर देखिए जीतने के लिए पूरे बनाने हैं 54 रन बनाने हैं तो एक विकेट गवाया कुणाल सकपाल जो कि आउट होकर मैदान से बाहर है आप देखिए वो नंबर दूसरा लेकर आए गेंदबाज देखे सूरज भापकर जो कि बल्ले के साथ कुछ नहीं कर पाए थे पहली गेंद के ऊपर क्लिंग बोर्ड हुए थे वही सूरज भापकर गेंदबाज कर गए राइट अप होते विकेट और स्ट्राइक पर देखे अच्छे खिलाड़ी है कल्पेश कुल मिलाकर रन की बात कर तो आठ रन बने हैं पहली गेंद और इस गेंद के ऊपर देखिए मौका बना है और देखिए कैच को नहीं लपक पा रहे तो मौका बनेगा कल्पेश के लिए फिर एक बार खेलने का एक रन जरूर यहाँ पे मिलता हुआ और एक रन के साथ रन की बात कर तो नौ रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ पांच के ओवर के अंदर पूरे बना रहे 54 रन तो मैच के अंदर देखिए बहुत बड़ी मैच इसको ऑर्गेनाइज की थी टूर्नामेंट शिवसेना युवा सेना खेल के माध्यम से दादा का जन्मदिन मनाते हुए बहुत बड़ी टूर्नामेंट मैदान के अंदर देखिए आज का दूसरा दिन और कुल मिलाकर पांच दिन वहां पे खेले और गेंद का जय देखने वाली बात होगी गेंद वहां कोई खिलाड़ी नहीं और तब तक देखिए रन भाग रहे बल्लेबाज तो इस गेंद के ऊपर कुल मिलाकर दो रन चुराए और दो रन के साथ कुल मिलाकर रन की बात कर तो रन बने 11 रन तो इसके साथ देखिए कोई ग्यारह रन बने हैं दूसरा वो चलता हुआ गेंदबाज देखिए गेंदबाज करते हुए सूरज भापकर उपसे बरने की तरफ से तेरे गेंद ट्रैवल होती हुई और वहां पे देखिए विकास आए गेंद को उठाए तब तक देखिए दो रन फिर एक बार चुराए वेरी गुड रन बिटवीन विकेट बहुत अच्छे रन बिटवीन विकेट यहां पे अक्षय द्वारा जिन्होंने शॉट खेलकर दो रन चुराए तो दो रन के साथ अब रन की बात कर तो पूरे रन बने 13 रन ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ त्याचबरोबर कोणी नवीन संघ दाखल झाला असेल तर प्लीज आपण प्रसाद सिग्वन यांच्याकडे संपर्क साधा अजूनही कोणी संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी होऊ इच्छित असेल त्या संघाला विनंती असेल आपण प्रसादजी सर यांच्याकडे संपर्क साधा तो पापकर और इस बार देखिए ऑन साइड पर गिला खिलाड़ी है खिलाड़ी रोकने का प्रयास कर रहे और तब तक फिर एक बार दो रन अक्षय के खाते में आते हुए और महेश इलेवन के खाते में कुल मिलाकर रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर 15 रन बने हैं ओड पर दूसरा चलता हुआ गेंदबाज के सूरज भापकर गेंदबाजी करते हुए फिर एक बार देखिए अगली गेंद सूरज भापकर द्वारा अंपायर के बगल से अगली गेंद सीधे बल्ले से नहीं टेढ़े बल्ले से गेंद गई बाउंड लाइन से बाहर चौवे के लिए कमांड इज ए चौवाया ए मल्ला नी वाधा जी अंग
अक्षय, फिर एक बार देखिए गेंदबाज करके गेंदबाज डॉक्टर नितिन भगत, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। गेंद रन रोकना है और साथ में विकेट भी चटकाना है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती हुई डॉक्टर नितिन भगत के ऊपर। फिर एक बार देखिए फील्ड में तब्दीली कर रहे और बार बार फील्ड के अंदर देखिए कंफ्यूजन है, अंदर बाहर खिलाड़ी कर रहे। और अब देखिए अब गेंदबाज ऑफसाइड पर पूरे पांच खिलाड़ी है, ऑफसाइड पर चार खिलाड़ी, तो अब ऑफसाइड पर पांच खिलाड़ी तैनात की गेंदबाज डॉक्टर नितिन भगत दे। तो फिर एक बार देखिए गेंदबाज करके गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाज है ओम से बर्डे के प्रारंभिक गेंदबाज। तो अगली गेंद राइट मुहूर्त में गेंद और पहली गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला गेंदबाज ने, बल्लेबाज नहीं समझ पा रहे। गेंद विकेट की पर के दस्तानों में बिंदी गेंद डॉट गेंद, कोई मतलब नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन बने 30 रन, कुल मिलाकर पूरे बनाने हैं जीतने के लिए 54 रन। कंपल्सरी चेस है, चेसिंग एंड ड्रेसिंग टूर्नामेंट के अंदर 54 रन बनाने हैं। कल्पेश ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक देंगे, अच्छे बल्लेबाज है अक्षय। और अगली गेंद गेंदबाज द्वारा राइट टप होते देंगे वही टप्पा और वही लाइन के साथ बहुत अच्छी गेंद। तो इस गेंद के ऊपर देखिए अपील बना रहे, जोरदार अपील बनता हुआ, बहुत अच्छी गेंद दी और इस गेंद के ऊपर देखिए अपील बनाया और इसके साथ आउट। तो देखिए बल्लेबाज कल्पेश कैच आउट होकर मैदान से बाहर, विकेट नंबर 2। रन बने हैं जीतने के लिए पूरे बना रहे थे 23 रन बने हैं और 23 रन के ऊपर दूसरा विकेट गया, तो डीजे को मौका मिलता हुआ विकेट नंबर 2 गॉन। देखिए दो विकेट गिरने के बाद अब देखिए पांचवें नंबर पर मैदान के अंदर आए सुयोग, जिनको मौका मिला पांचवें नंबर पर। और नौवें नंबर पर देखिए अक्षय, जो कि अच्छे अब तक अच्छे काम किया उन्होंने। और अब देखिए कुल मिलाकर चौथे नंबर पर सुयोग बल्लेबाजी कर गए मैदान के अंदर। देखिए स्ट्राइक पर सुयोग, फिर एक बार देखिए डॉक्टर नीति राइट लॉग ऑफ क्षेत्र पर गिला, वहां खिलाड़ी है विकास, विकास कोई गलती नहीं करते और अच्छे खिलाड़ी है, अच्छा फील्ड करते। तो ज्यादा रन एक रन, तो एक रन के साथ सुयोग का खाता खुला और एक रन के साथ महेश 11 के खाते में रन आया, तो कुल मिलाकर 24 रन बने हैं। अभी भी देखिए जीतने के लिए 30 रन बना रहे हैं, पूरे 30 अभी भी बनाने होंगे महेश 11 के लिए। तो देखिए फिर एक बार चर्चा जारी है करण पवार और नितिन, और इस बार देखिए सूरज भापकर गेंद पर आए उठाए, तब तक देखिए दो रन और इसके साथ देखिए क्या कर रहे सूरज भापकर, खराब काम कर रहे मैदान के अंदर और गलती आपकी है और दाट रहे, खराब क्रिकेट खेलते हुए सूरज भापकर बल्ले के साथ कुछ नहीं कर पाया। और आप देखिए खराब काम रहे मैदान के अंदर फील्ड करते हुए, तो रन आए कुल मिलाकर रन की बात कर दो 26 रन बने। महेश 11 की तरफ से चौथे नंबर पर मैदान के अंदर आए थे सुयोग, एक बार देखिए बड़ा हिट लगाना चाहते थे, गेंद अच्छी बल्ले पर आई नहीं और ज्यादा रन नहीं आए सुयोग के खाते के। और इसी के साथ ओवर नंबर तीसरा खत्म हुआ, तीसरे ओवर के बाद कुल मिलाकर रन बने हैं पूरे 28, अभी भी गेंद शेष और जीतने के लिए पूरे बनाने होंगे 12 गेंद शेष है।
और इसके ऊपर 26 रन बना रहे। कई बच्चे देखते रहे, सुनते रहे, बड़ा मुकाबला बीच मैदान के अंदर। एक तरफ ओम से बर्डे और दूसरी तरफ देखे महेश 11 के बीच 12 गेंदे और इसके ऊपर 26 रन बना रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी, 26 रन बनते नहीं, इसके लिए लेते ब्रेक। ब्रेक भी गाना गाने का सभी दर्शकों और खिलाड़ी का तहे दिल से स्वागत है टूर्नामेंट के अंदर। देखिए शिवसेना का टूर्नामेंट यानी दादा का जन्मदिन मनाते हुए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था शिवसेना युवा सेना खेड शेर और खेड तालुके के माध्यम से आया हुआ बहुत बड़ा टूर्नामेंट। दूसरा दिन का खेल बीच मैदान के अंदर देखे विकास गेंदबाज करेंगे ओ नंबर 14 विकास डालेंगे ओम से बनने की तरफ से राइट देखिए शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद के विकेट कीपर के दस्तानों पे बिंदी गेंद डॉट गेंद कोई बदलाव नहीं कोई नुकसान नहीं। रन की बात कर तो रन बने हैं कुल मिलाकर 28 रन बने हैं। अभी भी जीतने के लिए देखिए 11 गेंदे अब 26 रन बना रहे हैं 11 गेंदे 26 रन। फिर एक बार देखिए विकास गेंदबाज करते हुए अंपायर के बगल से अगली गेंद राइट पर देखिए अच्छी गेंद आउट ऑफ द कारपेट गिला वह खिलाड़ी है खिलाड़ी ने शानदार बिल्ड करते हुए ज्यादा रन दिए दिया रे। एक रन सुयोग के खाते में एक रन महेश 11 के खाते में कुल मिलाकर अब रन की बात करें तो रन बने 29 रन। अभी भी देखिए 25 रन बना रहे हैं गेंदे शेष 10 गेंदे 10 गेंद के ऊपर 25 रन बना रहे हैं। क्या मुकाबला चलता हुआ बीच मैदान के अंदर देखिए ओम से बर्डे और महेश 11 के बीच की भिड़न बहुत बड़ी भिड़न होती हुई जीतने के लिए पूरे बना रहे थे 54 रन। फिर एक बार देखिए बंदे ये गेंद अच्छी गेंद अच्छे लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए विकास और अक्षय देखिए गेंद को नहीं समझ पा रहे बिंदी गेंद डॉट गेंद प्रेशर बढ़ता हुआ बल्लेबाज के ऊपर। तो अब देखिए 9 गेंदे जीतने के लिए 25 रन बना रहे हैं पूरे 25 बना रहे होंगे महेश 11 के लिए 9 गेंदे और जीतने के लिए 25 रन। फिर एक बार देखिए गेंदबाज करेंगे गेंदबाज विकास जो कि अच्छे खिलाड़ी है उच्च कद के शानदार खिलाड़ी और इसी के साथ ही हवा में खेले और हवा के साथ गेंद हाथ में आते हुए और इसी के साथ विकेट का पतन अक्षय आउट होकर मैदान से बाहर कमोडिटी से विकेट आया। मैदान के अंदर एक तरफ देखिए महेश 11 और दूसरे तरफ देखिए ओप से बर्डे के बीच का मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर देखिए बाबा साहेब पाटने क्रीडा नगरी के अंदर देखिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट घटता हुआ दूसरा दिन यहां पे चलता हुआ कुल मिलाकर 5 दिन इस टूर्नामेंट चलने वाली है और बहुत बड़ी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की थी शिवसेना के माध्यम से दादा के जन्मदिन मनाने वाली टूर्नामेंट बहुत बड़ी टूर्नामेंट। दूसरे दिन का बहुत बड़ा मुकाबला पिच मैदान के अंदर देखिए अभी भी 25 रन बना रहे हैं जीतने के लिए गेंदे शेष 8 गेंदे और 8 गेंद के ऊपर 25 रन बना रहे हैं। गेंदबाज के विकास के लिए ताली बज रही है उन्होंने क्या गेंदबाज की चौथे ओवर के अंदर देखिए अच्छी गेंदबाजी अब तक उन्होंने की। तो अब देखने वाली बात होगी अब अगली गेंद कैसे डालते अगर संभाल के डालेंगे तो निश्चित तौर पर मौका मिलेगा। तो एक तरफ देखिए सुयोग और नए बल्लेबाज के मैदान के अंदर प्रदीप नंबर 5 नंबर पर आए प्रदीप नौ स्ट्राइकर स्ट्राइक पर सुयोग राइट नंबर हो अच्छा शॉट और उसको रोका विकास ने बहुत अच्छा काम किया गेंदबाज विकास ने। तो इसके साथ देखिए रन चुराया
सुयोग के खाते में रन आया और महेश 11 के खाते में रन आता हुआ। तो कुल मिलकर रन की बात करें तो अब पूरे बने 30 रन, अभी भी देखिए जीतने के लिए पूरे बना रहे 26 रन, 24 रन सात गेंदे और देखिए 24 रन बना रहे हैं जीतने के लिए महेश 11, जो कि लग रहा था आसानी से मैच को जीतेगा, लेकिन देखिए गेंदबाज ने क्या कमाल की गेंदबाज की, उप से बर्डे की तरफ से फिर एक बार देखिए विकास जो ने अच्छी गेंदे डाली, अब तक देखिए 2 रन दिए और इस बार देखिए प्रदीप पूरी तरह से बीट होते हुए गेंद बल्ले पर नहीं आ रहे और इसके साथ और नंबर 4 अभी भी देखिए 6 गेंदे और जितने के रहे पूरे बना रहे होते 24 कई बच जाए, देखते रहे बड़ा मुकाबला सुपर हिट मुकाबला मैदान के अंदर, देखे ओम साई बर्डे और महेश 11 के बीच का मुकाबला, अब देखिए आसान नहीं होगा जितने का महेश 11 के लिए बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। 6 गेंदे 26 रन लेते, ब्रेक ब्रेक में गाना तो कुल मिलाकर देखिए 30 रन बने हैं और जितने के लिए पूरे पड़ाने हुए होंगे 24 कंपल्सरी चेस है, तो पूरे 24 रन बनाने हैं। आखिरी ओवर के अंदर देखिए अमोल गेंदबाज करके और देखिए सामना करके सुयोग, जिनके पास काबिलियत है अगर बड़े हिट लगते थे निश्चित तौर पर। फिर एक बार देखिए पहली गेंद, इस गेंद के ऊपर हम पाने का खराब गेंद, तो मौका दे रहे बल्लेबाज के लिए अमोल, पहली गेंद खराब गेंद डाली अमोल ने और इसके साथ 1 रन आया, कुल मिलाकर रन बने 31। अभी भी देखिए जीतने के लिए बना रहे 30 रन, 6 गेंदे 23 रन, 6 गेंद के ऊपर 38 रन बने थे। करण बड़वी ने क्या बल्लेबाजी की थी, तो टेनिस क्रिकेट के अंदर ये बन सकते हैं। 6 गेंदे 23 रन अमोल गेंदबाज करते हुए ओप से भरने की तरफ से फिर एक बार देखिए दौड़ना शुरू किया अगली गेंद राइट बात के सुयोग का बल्ला चला, लेकिन ज्यादा रन नहीं मिलेंगे विकास गेंद पर आते हुए और विकास ने गेंद को रोका और तब तक 1 रन चुराए बल्लेबाज सुयोग ने, तो इसके ऊपर 1 रन। आप जीतने के लिए देखिए 22 रन बना रहे हैं, 5 गेंदे शेष है, आप देखिए स्ट्राइक पर प्रदीप नौसेकर पर देखिए सुयोग जिनके बल्ले से ज्यादा रन नहीं आए, तो अब देखिए बहुत मुश्किल में आता हुआ महेश 11, 5 गेंदे 22 रन बना रहे हैं। गेंदबाज करते हुए गेंदबाज देखिए अमोल राइट ओवर द विकेट, अगली गेंद फिर एक बार देखे दिशा से भटक रहे और देखिए अमोल मौका दे रहे बल्लेबाज को रन बनाने का, तो कुल मिलाकर देखे अभी भी 21 रन बना रहे हैं, तो खराब गेंदबाज करते हुए मौका दे रहे बल्लेबाज के लिए, 5 गेंदे शेष है, अभी भी देखिए जीतने के लिए 21 रन बना रहे हैं महेश 11 के लिए। महेश 11 और ओम से बर्डे के बीच का मुकाबला, टारगेट छोटा था और टारगेट के साथ अच्छा काम किया उपसे बढ़ने के गेंदबाज ने, तो आप देखिए मुश्किल में आ रहे थोड़ा अमोल जिन्होंने 2 गेंदे खराब डाली, दिशा से भटक गए। फिर एक बार देखिए अगली गेंद बार देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, इस बार देखिए अच्छा काम किया है, तो देखिए बिंदी गेंद डॉट गेंद, तो अच्छा काम कर रहे इस गेंद के ऊपर देखिए बिंदी गेंद निकाली, आप देखिए 4 गेंदे और जीतने के लिए 21 रन बना रहे हैं महेश 11 के लिए, बहुत बड़ा टारगेट आप देखिए मुश्किल में आता हुआ महेश 11, 4 गेंदे 21 रन राइट ओवर द विकेट, अगली गेंद अंपायर के बगल से अमोल की गेंद, फिर एक बार देखिए ऑन द कारपेट की लग बल्लेबाज प्रदीप ने, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा रन नहीं आएंगे, विकास ने गेंद को रोका और यहां पर 3 रन रुकते हुए, तो कुल मिलाकर 1 रन। अब देखिए जीतने के लिए पूरे 20 रन बना रहे हैं, 3 गेंदे शेष और 20 रन बना रहे हैं सुयोग और प्रदीप मैदान के अंदर देखे बल्लेबाज करते हुए महेश 11 की तरफ से, फिर एक बार देखिए गेंदबाज करके गेंदबाज अमोल होम से बनने की तरफ से, फिर एक बार देखिए राइट टॉप ओवर द विकेट अगली गेंद और देखिए अफसर के बाहर की गेंद और फिर एक बार देखिए ये अच्छी गेंद डॉट गेंद बिंदी गेंद, कोई नुकसान नहीं कोई बदलाव नहीं। रन की बात कर तो देखिए कुल मिलाकर रन बने हैं अब तक 34 रन बने हैं, तो देखिए खराब बल्लेबाजी और कमबैक किया गेंदबाज,
ओम साइकी गेंदबाज यानी विकास ने अच्छी गेंद डाली और नितिन ने बहुत अच्छी गेंदबाज की। फिर एक बार के ऊपर देखिए छक्का आया या चौका आया, देखने वाली बात होगी। छक्का आया लेकिन बहुत लेट आया, तो छक्के के साथ देखिए रन में बदलाव जरूर होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा, जीत के नजदीक नहीं आ पाएंगे। कुल मिलाकर आप रन की बात करो तो रन बने हैं 40 रन बने हैं, एक गेंद है और एक है। महेश 11 लगभग हार चुका है लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर कभी भी के ऊपर देखिए इस गेंद के ऊपर ज्यादा रन है, एक रन। और इसी के साथ ओम साई बर्डे इन्होंने मैच को जीता, अच्छा मैच था, टारगेट छोटा था और छोटे टारगेट के साथ गेंदबाजी कमाल की और कमाल के साथ मैच को जीता ओम साई बर्डे।